एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। देखिए, यहाँ एजुकेशन क्लासेस से मेरा मतलब है एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। यानी कि जो स्टूडेंट्स बीएड, एमएड, एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा सीटेट, एचटेट या किसी भी स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं, आप विजिट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही जो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। और अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए जीन प्याजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, जिसको हमने बिल्कुल डिटेल में समझा है, उस थ्योरी से रिलेटेड 40 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की एक सीरीज लेकर आई हूँ, जिसको हम चार पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो ये 40 क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कुछ क्वेश्चंस वो हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो आपका नेट इन एजुकेशन हो, सीटेट हो या एचटेट हो। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने अलग अलग बुक से चूज करके निकाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर आपने प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पर जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसको अच्छे से देखा, अच्छे से समझा और साथ ही ये 40 क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसको कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी टेट एग्जाम में या नेट इन एजुकेशन में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस हो सकता है। देखिए, बच्चों में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और सिस्टमेटिक थिंकिंग का डेवलपमेंट कब होता है, या बच्चा कौन से स्टेज में अपनी प्रॉब्लम्स को एब्स्ट्रैक्टली और सिस्टमेटिकली सोल्व कर पाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलपमेंट जो है फोर्थ स्टेज में होता है, और फोर्थ स्टेज कौन सी होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यानी कि फोर्थ स्टेज में जो है उसके अंदर चीजों को इमेजिनेटिव तरीके से देखने की थिंकिंग एबिलिटी जो है विकसित हो जाती है, इमर्ज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टू कंटेनर्स होल्ड द सेम अमाउंट, बट रोहित थिंक्स दैट द टोलर नैरो ग्लास होल्ड्स मोर, दिस इज नोन एज। देखिए, दो कंटेनर है, दोनों में इक्वल अमाउंट है लिक्विड का, यानी कि दोनों में इक्वल अमाउंट है, लेकिन अगर एक कंटेनर की लिक्विड को अगर हम इस टोलर नैरो ग्लास में डाल दें, तो जो रोहित है उसको लगता है कि जो ये टोलर नैरो ग्लास है इसमें ज्यादा लिक्विड है, क्योंकि ये ऊपर तक भरा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस चीज को क्या कहा गया है, अकोमोडेशन, इगोसेंट्रिज्म, फॉल्स बिलीफ या कंजर्वेशन। तो देखिए, ये क्या है, ये कंजर्वेशन टास्क है। अब कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, देखिए कंजर्वेशन का मतलब है कि यहाँ पर जो है बच्चे को यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि शेप और साइज के चेंज होने पर वॉल्यूम और क्वांटिटी चेंज नहीं होती। यानी कि उसको ऐसा लग रहा है कि अगर इस ग्लास की लिक्विड को अगर हम किसी नैरो ग्लास में डालते हैं तो उसमें उसको ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बच्चे को कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता। कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है बच्चे को कौन से स्टेज में क्लियर होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कंजर्वेशन उसको समझ आने लगता है कि कंजर्वेशन होता क्या है। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे स्कीमा बिल्डिंग अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइंग न्यू इंफॉर्मेशन टू फिट एग्जिस्टिंग स्कीमास एंड बाय मॉडिफाइंग ओल्ड स्कीमास एज पर न्यू इंफॉर्मेशन, दीज टू प्रोसेसेस आर नोन एज। देखिए, प्याजे के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसके अंदर, यानी कि जो पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसके अंदर अगर न्यू इंफॉर्मेशन फिट हो जाती है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, और अगर हमारा जो ओल्ड स्कीमा है या जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें अगर हमारी जो न्यू इंफॉर्मेशन है वो अगर फिट नहीं होती, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, असिमिलेशन एंड अडेप्टेशन,
अकोमोडेशन एंड अडेप्टेशन, इक्विलिब्रेशन एंड मॉडिफिकेशन, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। देखिए जब मैंने आप लोगों को थ्योरी करवाई थी तो मैंने प्याजे के जो चार की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत ही डिटेल में समझाया था, और इस सीरीज का जब हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था तो उसमें भी मैंने ये चारों कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर किए हैं। तो देखिए जो प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें अगर हम कोई न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, वो अगर उसमें फिट हो जाती है तो वो उस प्रोसेस को असिमिलेशन कहा जाता है। अगर प्री एग्जिस्टिंग या जो ओल्ड स्कीमा है उसमें न्यू इंफॉर्मेशन फिट नहीं होती, उसमें कुछ अल्टरेशन या कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है तो उस प्रोसेस को अकोमोडेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, और ये दोनों ही जो है अडेप्टेशन के पार्ट होते हैं। ठीक है, असिमिलेशन और अकोमोडेशन दोनों ही अडेप्टेशन के पार्ट्स। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन जीन प्याजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज। देखिए बहुत ही सिंपल और फैक्चुअल क्वेश्चन है कि पहली स्टेज कौन सी है जीन प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज और सेंसरी मोटर स्टेज। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट अ पर्टिकुलर स्टेज चिल्ड्रन बिगिन टू यूज प्रिमिटिव रीजनिंग एंड वॉन्ट टू नो द आंसर टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चन। प्याजे कॉल्ड दिस इंट्यूटिव। एज पर प्याजे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ही मीन्स। देखिए एक पर्टिकुलर स्टेज में बच्चे के अंदर प्रिमिटिव रीजनिंग का डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि बच्चा जो है हर तरह के क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहता है। तो प्याजे ने इसको क्या कहा है, इंट्यूटिव। दिस इज इंट्यूटिव, यानी कि बच्चे में जो है सहज ज्ञान का डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चा क्या है जिज्ञासु है। तो प्याजे के अकॉर्डिंग ये कौन सी स्टेज है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन, प्री ऑपरेशन, फॉर्मल ऑपरेशन या नन ऑफ द अबव। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज है वो थर्ड नंबर की स्टेज है, जहां पर बच्चे में लॉजिकल रीजनिंग और कॉन्क्रीट मटेरियल्स के आधार पर बच्चा चीजों को सॉल्व कर पाता है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशन। तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही बच्चा जो है इंट्यूटिव होता है, जिज्ञासु होता है, हर तरह के क्वेश्चंस जानने की कोशिश करता है। इस स्टेज का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 to 7 years होता है, और इस स्टेज की दो सब स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है प्री कंसेप्चुअल स्टेज जिसका टाइम पीरियड होता है 2 to 4 years, और दूसरी होती है इंट्यूटिव स्टेज जिसकी प्याजे बात कर रहे हैं। ठीक है, इंट्यूटिव स्टेज की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पर बच्चा जिज्ञासु होता है, जानने की कोशिश करता है, इसका टाइम पीरियड होता है 4 to 7 years। तो यहाँ पर बच्चा जो है बहुत ही जिज्ञासु होता है, पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है बच्चे को कि यहाँ इस सब स्टेज में इंट्यूटिव स्टेज में बच्चे को कंजर्वेशन और रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ बच्चे को जो है क्लियर नहीं होता। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन प्याजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज। देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात जीन प्याजे के द्वारा की गई है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में। तो यहाँ पर जो है चार करेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, आपको बताना है कि कौन सी करेक्टरिस्टिक्स प्री ऑपरेशनल स्टेज की है। फर्स्ट है सेंट्रेशन इन थॉट्स, हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, एबिलिटी टू कंसर्व एंड सीरिएट ऑब्जेक्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि कौन सी करेक्टरिस्टिक जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज की है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, सेंट्रेशन इन थॉट्स, यानी कि यहाँ पर बच्चा सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर पाता है, अलग अलग पैरामीटर्स को वो नहीं देख पाता। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सेंट्रेशन इन थॉट। अगर हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग की बात करें तो इसका डेवलपमेंट बच्चे में फोर्थ स्टेज में होता है, जो कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरिएट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कंजर्वेशन और सीरिएशन जो है कौन सी स्टेज की करेक्टरिस्टिक है, ये है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। और डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलपमेंट बच्चे में फॉर्मल स्टेज में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, सेंट्रेशन इन थॉट। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ चाइल्ड हैज डेवलप्ड द एबिलिटी टू सॉर्ट द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। The child can perform rather complex operations, also problems, as long as the problems are not abstract.
द चाइल्ड इज एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए, एक बच्चे में इस तरह की थिंकिंग एबिलिटी का डेवलपमेंट हो चुका है कि वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर चीजों को सॉर्ट कर पा रहा है, साथ ही वो कुछ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को भी कर पा रहा है, यानी कि जो प्रॉब्लम्स थोड़ी सी डिफिकल्ट है उनको भी वो परफॉर्म कर पा रहा है। लेकिन उस बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, यानी कि चीजों को इमेजिनेटिव तरीके से वो सोल्व नहीं कर पा रहा, कॉन्क्रीट मटेरियल के आधार पर सोल्व कर पा रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर सोल्व कर पा रहा है, लेकिन इमेजिनेटिव हाइपोथेटिक डिडक्टिव थिंकिंग का डेवलपमेंट यहाँ पर बच्चे में नहीं हुआ है। तो प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ कौन सी स्टेज की बात की जा रही है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज या प्री ऑपरेशनल स्टेज? तो देखिए, ये आपकी फर्स्ट स्टेज है और ये सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि बच्चा कॉन्क्रीट मटेरियल या फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर चीजों को सॉर्ट कर पा रहा है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूजा वाज आस्क्ड टू क्लासिफाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, सी क्लासिफाइज देम ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वन पैरामीटर विच इज कलर, पूजा डिड इट बिकॉज ऑफ। देखिए, पूजा को अलग अलग तरह के फ्लावर्स को क्लासिफाई करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो जो है क्लासिफिकेशन सिर्फ एक पैरामीटर के आधार पर कर रही है। कौन से पैरामीटर? कलर के आधार पर वो सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रही है फ्लावर्स का। तो पूजा यहाँ पर किस कारण से ऐसा कर रही है? ईगोसेंट्रिज्म के कारण, सेंट्रेशन, अकोमोडेशन या ऑपरेशनलिज्म? तो देखिए, किसी एक चीज पर फोकस करना या सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना, उसका मतलब होता है सेंट्रेशन इन थॉट्स, यानी कि वो सिर्फ एक चीज पर फोकस कर पा रही है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सेंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। Which is not one of the Piaget stages of cognitive development? देखिए, बिल्कुल factual question है, बहुत ही easy question है। कौन सी एक stage Piaget की नहीं है? Pre-operational stage, sensory motor stage, infancy stage, formal operational stage। तो यहाँ पर कौन सी stage नहीं है? Infancy stage Piaget के द्वारा नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। जीन प्याजे यूज द टर्म टू रिफर टू द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स बाय विच इंडिविजुअल्स इंटेलेक्चुअली अडेप्ट टू एंड ऑर्गेनाइज देयर एनवायरनमेंट। देखिए, प्याजे ने एक टर्म यूज की है जिसका मतलब होता है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है, संज्ञानात्मक स्ट्रक्चर या संज्ञानात्मक संरचना शब्द का प्रयोग किया है, तो जिसके द्वारा जो इंडिविजुअल्स है इंटेलेक्चुअली अपने एनवायरनमेंट को समझ पाता है, अपने वर्ल्ड को समझ पाता है। तो उसके लिए जो है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के लिए प्याजे ने कौन सी टर्म का यूज किया है? कॉग्निशन, टास्क, स्कीमा या स्टेज? तो देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि कौन सी स्टेज का प्रयोग किया है, दैट इज स्कीमा। देखिए, प्याजे ने चार की कॉन्सेप्ट्स की बात की है, स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। तो स्कीमा क्या होता है? स्कीमा एक प्रकार की नॉलेज होती है जिसके द्वारा हम अपने वर्ल्ड, अपने एनवायरमेंट को समझते हैं। तो स्कीमा का मतलब होता है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स या मेंटल फ्रेम्स या मेंटल इमेजेस जो कि हमारे ब्रेन में अलग अलग चीजों के बारे में बन जाती हैं। जैसे बच्चा फर्स्ट टाइम किसी भी चीज को देखता है, जैसे चेयर को उसने देखा या टेबल को देखा, तो बच्चे के दिमाग में चेयर के बारे में एक इमेज बन जाएगी कि चेयर कैसी दिखाई देती है। तो इसके लिए प्याजे ने स्कीमा शब्द का यूज किया है, यानी कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर या मेंटल फ्रेम्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, या कह सकते हैं लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, अगर वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज या किसी प्रकार का फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, तो डू कमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।